आप जानोगे कि फैशन डिजाइन में अगर आप इंटरव्यू देते हो जॉब के लिए किस टाइप की कॉमन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं। एवरीवन, दिस इज अली गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल एनजीएस फैशन। सारे फ्रेशर्स को और सारे फैशन डिजाइन स्टूडेंट्स को ये सारे कॉमन क्वेश्चन तो जरूर आने चाहिए, और इसका रिप्लाई आप अपने ऑनेस्टी के साथ दोगे, क्योंकि ये सारे आंसर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे इसका आंसर देने वाले हो। मैं लेकर आई हूँ पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस जिसका आप आंसर खुद करोगे, और कुछ कुछ आंसर्स मैं भी आपको हेल्प करूंगी। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में देना है अगर आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। क्वेश्चंस एडवांस होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली बेसिक होंगे। आपको स्टार्ट बेसिक से ही करना पड़ता है। क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, या फिर अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, आपने क्या स्टडी किया है वो बताइए, से समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, या फिर टेल मी अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड। सभी जानते हैं जो भी आपने अपना कंप्लीट किया है, डिग्री, डिप्लोमा, मास्टरी, आप उसको ईजिली सिंपल वे में आंसर करो। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आप फैशन को डिफाइन करो, हाउ डू यू डिफाइन फैशन, या फिर डिफाइन फैशन, फैशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, वो आपका पर्सनल व्यू होना चाहिए, या फिर आप हेल्प भी ले सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि फैशन क्या है, या फिर अगर आपका खुद का पर्सनल व्यू है तो भी आप पर्सनल व्यू दे के भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आप फैशन में इंटरेस्ट क्यों रखते हो, आप इस करियर में क्यों इंटरेस्टेड हो। एक जेन्युइन आंसर अगर आपके पास है इसका, तो भी आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके पास कोई जेन्युइन आंसर है ही नहीं, आप नहीं जानते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग करते हैं कुछ लेकिन हमको फील नहीं होता, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो आप रिसर्च करके भी अपना आंसर तैयार कर सकते हो। कभी भी कहीं से कॉपी मत करो, आंसर हमेशा खुद का ही होना चाहिए। अगर मैंने बैचलर किया तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगी कि मैंने बैचलर किया है, मैंने बैचलर नहीं किया, मैं किसी और को देखकर तो नहीं बोल सकती, ये झूठ होगा। तो आंसर हमेशा ऑनेस्ट दोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और मे बी आपका आंसर जो भी हो वो बेस्ट हो, और कॉन्फिडेंस से बोलो। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं जो इस चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसका भी आप आंसर रेडी कर सकते हो। आपको बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया मैं दे रही हूँ, तो आप उसका बेसिक आंसर भी रेडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आंसर्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए अप्लाई किए हो, तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके फिर उस जगह पे इंटरव्यू दे जा सकते हो, जिससे कि आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा और चांसेस भी होंगे कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप इंडस्ट्री में किसको फॉलो करते हैं, आप किस टाइप के ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हो, किस ब्रांड्स के बारे में आप ज़्यादा जानते हो, या किस टाइप के फोटोग्राफर के बारे में कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इस टाइप के भी कॉमन क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड है फैशन इंडस्ट्री से, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आप कितने अवेयर हो ये इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़े थोड़े आपको बेसिक कम्युनिकेशंस का भी पार्ट का भी आपको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कि आपको थोड़ा फैशन कम्युनिकेशंस के अराउंडिंग, बिकॉज बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ब्रांड हुआ, फैशन ब्रांड हुआ, या कोई मैगजीन हुआ, या किसी फोटोग्राफर के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये सब भी आप स्टडी करो। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे एडवांस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो एडवांस में कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर आप किसी डिसएग्रीमेंट में फंसे हो, या किसी ऐसे डिस्कशन में हो जहां पे आपको उस चीज़ को फाइट करना है, तो आप उसको कैसे डील करोगे, तो इस टाइप की, जैसे कि आपका कोई कोऑर्डिनेटर है, आप किसी के साथ ग्रुप वर्क कर रहे हो, या ग्रुप वर्क है, तो आप उसको कैसे डील करोगे, उसको कैसे लीड करोगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, तो उसका भी आपको जेंटली जवाब देना पड़ेगा। किस टाइप के फैशन फैक्ट होते हैं इस इंडस्ट्री में, कौन सा फैक्ट है जो रियल है, जो वर्क करेगा फ्यूचर में, या फिर इस टाइप के काम में आप इंटरेस्टेड हो, किस टाइप के आपका वर्क जो है, किस टाइप का लास्ट कंपनी, अगर आप किसी जॉब की
अगर आप किसी लास्ट कंपनी में जॉब किए हो तो आपका क्या पोजीशन था वहाँ पे, आप क्या करते थे, आपका क्या इंटरेस्ट वहाँ रहा है और क्या आपने सीखा है, ये सारे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। इससे आपकी पर्सनालिटी पता चलती है और ये भी पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा अबिलिटी आपके अंदर है, अगर आप नेक्स्ट जॉब करोगे फ्यूचर में तो वो उस कंपनी के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फैशन नहीं, सिर्फ फैशन करियर नहीं, बहुत सारे ऐसे करियर में ये क्वेश्चंस तो हमेशा पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 और 10 ईयर। आप अपने आने वाले साल में 5 और 10 ईयर में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, ये क्वेश्चंस भी होते हैं। आपकी क्या गोल है, आपका क्या पर्सनल व्यू है, ये आप ही बताना कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। थोड़ा जेंटल होना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। ये आंसर मत करना कि मैं आने वाले टाइम में मैं मनीष मल्होत्रा जैसे डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, आने वाले टाइम में मैं सब्यसाची जैसे बेटर डिज़ाइनर बन जाऊँ। ये सब आंसर जो है वे भी आपके मन में होंगे, लेकिन मत करना, आपको थोड़ा जेंटल आंसर देना पड़ेगा। आपका कुछ कुछ गोल है, अगर वो फुलफ़िल हो जाए तो यस मैं वहाँ अपने आप को देखना चाहती हूँ, ऐसा कुछ जेंटल आंसर भी कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन सा आप वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करते हो, किस टाइप के ब्लॉग आप डेली देखते हो या किस टाइप के ब्लॉग्स को फॉलो करते हो या फिर आप रिसेंटली क्या देखे हो। ये सारे भी क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इसे करते हो तो ठीक है, आप आंसर करो, अगर आप नहीं करते हो तो उस हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। यस, दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट। कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इम्पॉर्टेंट स्किल होती है जो एक फैशन डिजाइनर के अंदर होनी चाहिए, जो नेसेसरी है, तो ये भी क्वेश्चन मेन है, इसको बेसिक एंड एडवांस दोनों कह सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आपको ही रिप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता तो इस टाइप के बहुत सारे वीडियो भी चैनल पर हैं, उसको देख लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या आंसर करना चाहिए। तो ये था मेरा एडवांस, थोड़ा एडवांस एंड बेसिक क्वेश्चंस का लिस्ट। होप करती हूँ कि आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इसका आंसर अभी है तो आप अभी रिप्लाई करो मुझे कमेंट में, अभी बताओ। अगर आंसर नहीं है तो वो क्वेश्चन आप टाइप करके मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगी। तो प्लीज़ बने रहो मेरे चैनल पे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, अगर वॉच किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।